वो श्री राम की तरह बात नहीं करते, बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त है। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो। नमस्कार, कैसे हैं आप? राम नाम का चादर ओढ़कर, हिंदुत्व का आवरण ओढ़कर मनोज मंतसर क्या भारत विरोध का जिहादी एजेंडा चला रहा था? मंतसर अब कहता है कि हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, जब उसके स्क्रिप्ट पर जूते पड़ रहे हैं। अयोध्या से लेकर पूरे देश भर में आदि पुरुष का विरोध हो रहा है, तो मंतसर कह रहा है कि आदि पुरुष रामायण नहीं है, यह रामचरित मानस कथा का वाचन नहीं है, यह तो बस एक, यदि ऐसा कुछ होता तो हम रामायण नाम रख देते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रख देते थे। लेकिन यही मंतसर अभी कुछ दिन पहले जब इस फिल्म का ट्रीजर आया था, टेलर आया था, तो इसी ने कहा था कि यह बिल्कुल रामचरितमानस की कॉपी है, ये रामायण है। आप इस मंतसर को सुनिए एक बार। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं क्या? हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब यह है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं, हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं हमेशा। हमारा अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेवीली प्रेरित हैं जी। इसी मनोज मंतसर ने यह बात कही अपनी फिल्म को बेचने के लिए, लेकिन जब इसका कालिक चेहरा बेनकाब हो गया तो अपने आप को फिर हिंदुत्व का आवरण ओढ़ रहा है। दरअसल इस मनोज मंतसर का सच अब सामने आने लगा है कि यह मनोज शुक्ला था, ये मंतसर कैसे बन गया? यह मंतसर कैसे बन गया, यह अपने आप में चौंकाने वाला है। तो अब उस सच को समझिए कि इसने एक इंटरव्यू में क्या कहा कि इसका बाप शिबोहम गाता था तब ये जिहादी एजेंडा कैसे चलाता था। इसके एक और पूरे पुराने बयान को सुन लीजिए, आपको साफ हो जाएगा कि बॉलीवुड में ये घुसा था जिहादी एजेंडा लेकर के। और फिर जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो ये अपने एजेंडे से अलग हो गया। जरा उसके इस पुराने इंटरव्यू के उस हिस्से को सुनिए जिसमें यह बड़े दलील के साथ कह रहा है कि उसका बाप सनातनी था और वो किस कदर जिहादी एजेंडा थामे हुए था। ये बात ये उस दौर में तब कह रहा था जब इसे बॉलीवुड में स्थापित होना था। जरा सुनिए मनोज मंतसर को, फिर आपको आपकी तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी कि इसका एजेंडा क्या था, ये कितना बड़ा जिहादी था जिसने राम नाम का जप करके कालनेमी की भूमिका अपना ली। ये कालनेमी कितना खतरनाक है आपको खुद समझ आ जाएगा। कि पापा सुबह सुबह उठ के और शिव स्रोत का पाठ किया करते थे ऊंची आवाज में, नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकार माकाश वासम भजे हम। बगल में मनोज मुंतशी ने लगाया होता था, ख्याल गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। मनोज मुंतशी के इस कालनेमी चरित्र को देखने के बाद आपको साफ लग गया होगा कि ये एक बड़े एजेंडे के तहत बॉलीवुड जिहादी गुट के द्वारा उतारा गया है। मैं लगातार बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि जब बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही है, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे बड़े बड़े स्टार जमीन पर लेट गए हैं, गिरगिरा रहे हैं, उनकी फिल्में हिट कराई जाएं इसके लिए जमीन पर लेट रहे हैं, सुनील शेट्टी खुल करके योगी आदित्यनाथ के सामने कहते हैं कि योगी जी बॉलीवुड का चरित्र बहुत अच्छा रहा है, इस बॉलीवुड को विरोध से बचाइए और आप ही बचा सकते हैं। सुनील शेट्टी से यह बात जिहादियों ने तब भी कहवाई थी क्योंकि इन सबको लग रहा था कि जिहादी बुट
चौपट हो रहा है। दरअसल बॉलीवुड का जो अथाह पैसा है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो बॉलीवुड का पैसा है, दाऊदवुड का जो पूरा पैसा है, वो बहाया जा रहा था। और यही शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खानों की ताकत हुआ करती थी, यही सलीम जावेदों की ताकत हुई थी। इतना पैसा था कि शाहरुख खान के बेटे, चर्सी बेटे के पक्ष में पूरा अदालत लगाने वाले संपादकों का फौज खड़ा हो गया। रजत शर्मा खुद करके अपनी अदालत लगाने लगा, तिहार रिटर्न संपादक सुधीर चौधरी, ये सब राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े थे और सब के सब शाहरुख खान के साथ यूं ही नहीं खड़े हो गए। इतना पैसा था बॉलीवुड का। और यही कारण है कि आदि पुरुष नाम से रामायण के नाम पर फिल्म बनाया, और फिल्म बनवाया गया जिस डायरेक्टर से, उसमें एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन, घोर सनातन विरोधी है, जिसका, जिसके दादा नाना का इतिहास है। मैं बात कर रहा हूँ सैफ अली खान का। सैफ के जो पर नाना हैं, उसने भोपाल को, उसने भारत, उस हिस्से को भारत में शामिल करने से मना कर दिया था। उस सैफ अली खान को इसमें शामिल किया गया। और ये सब के सब एजेंडा इस लिहाज से थे कि आदि पुरुष फिल्म ही इसलिए बनाई जाए ताकि राम और रामायण को चोटिल किया जा सके। लेकिन इस फिल्म में यदि ये पहचान हो जाएगी कि सैफ अली खान है, इसका डायरेक्टर फलाना है, फल प्रोड्यूसर जिहादी है, तो ये फिल्म लोग देखेंगे नहीं। इसीलिए इसमें स्क्रिप्ट लिखाई गई, इसमें पटकथा लिखाई गई एक ऐसे व्यक्ति से जो काल नेवी था, मोदी युग में उसने अपने आप को एक आवरण ओढ़ा था। उसका नाम है मनोज मंतशिर। आप मनोज मंतशिर के एक एक खेल को समझिए। मनोज मंतशिर किस कदर से इस जिहादी उड़ में शामिल था, उसकी पत्नी भी इसके हिस्सेदार थी। ऐसा नहीं कि मनोज मंतशिर ही इस मामले में अकेला है। मंतशिर की पत्नी, उसकी पत्नी का नाम नीलम मंतशिर है। नीलम मंतशिर के एक आध ट्वीट को देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये पति पत्नी मिलकर के कैसा एजेंडा चलाती थी। नीलम जो मंतशिर है, मनोज मंतशिर की पत्नी, वो उस राणा आयुब के ट्वीट को रिट्वीट करके थैंक कहती है। इसके एक एक ट्वीट को जरा देखिए, ये मंतशिर की पत्नी है मनोज मंतशिर की, और ये जिहादी वुड के, भार मोदी विरोध के, भारत विरोध के, सनातन विरोध का एजेंडा थामे, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसी, गुजरात दंगे के मामले में देश विरोधी पत्रकारिता करने के मामले में लगातार आरोप झेल रही राणा आयुब, जिसके विदेश जाने पर भी एक वक्त हाईकोर्ट ने रोक लगाया था, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, उस राणा आयुब के फेवर में मंतशिर की बीवी कूद रही है, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत कुछ क्या है। एक बार फिर से एक मंतशिर की पत्नी के ट्वीट को जरा देखिए, राणा आयुब के पक्ष में वो क्या क्या लिखती है। अब भी क्या ये तस्वीर कुछ बाकी रह गया कि राणा आयुब के फेवर में रहने वाला, अपने आप को ये कहने वाला कि हम जो शिव महिमा जब मेरे पिता गाते थे तो मैं किस तरह से इस्लामिक एजेंडा चलाता था, एक बार उस पर गर्व करने वाला मनोज मंतशिर राम भक्त हो सकता है, शिव भक्त हो सकता है? ऐसे कालनेमी किसी घोषित जिहादियों से, देश विरोधियों से ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए त्राहिमाम कर रहा है। और अब ये एजेंडा चला रहा है कि यदि सनातनी एकजुट नहीं हुए, हम स्क्रिप्ट में चेंज कराना चाह रहे हैं। दरअसल ये पूरा खेल खुल गया है। आदि पुरुष सामान्य फिल्म नहीं था, ये पठान जैसा या फिर आमिर खान के सनातन विरोधी फिल्मों से ज्यादा खतरनाक था। इसमें इस्तेमाल ऐसे कालनेमियों का किया गया था जिसने राम नाम का चादर ओढ़ रखा था। अच्छी बात यह है कि देश इस बात को समझ गया, और सबसे ज्यादा दुत्कार मनोज मंतशिर को लग रही है। कई लोग कह रहे हैं कि इस मामले में दूसरे प्रोड्यूसर का नाम नहीं लिया जा रहा है, मनोज मंतशिर का ही क्यों लिया जा रहा है? सिर्फ मनोज मंतशिर का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि कालनेमी ज्यादा खतरनाक है, घर के भेदिया ज्यादा खतरनाक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत अब जगेगा, और ये जगने का ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि लोग अब ऐसी फिल्में बनाने से खौफ खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।